जिनके घर हाथी झूलते थे उनके घर स्थिति ऐसी बन गई कि आज कोई दिया जलाने वाला भी उनके कुल खानदान में नहीं बचा है। अहंकार में तीनों गए, धन धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अहंकार सबको मिटा देता है। राम ने किसी को नहीं मारा, कबीर साहब ने बहुत सुंदर बहुत प्यारी बात कही, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाएंगे सब कर कर खोटे। वो परमात्मा किसी को मारने क्यों आएगा, क्या जरूरत पड़ी उसको, उसने तो स्वतंत्र कर दिया, आप हम सबको अच्छा करो आपकी मर्जी, बुरा करो आपकी मर्जी। ये तो दुनिया, ये तो बाजार है, यहाँ तो जहर भी है, यहाँ तो अमृत भी है। आपका मन चाहे तो जहर पियो, आपका मन चाहे तो अमृत पियो। अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, जहर पियोगे तो कष्ट पा पा करके मरोगे, अपने हाथ में। अच्छा करेंगे तो जीवन में हमारे नाम के दिए जलेंगे, लोग हमारे नाम की दुहाई देंगे, हमारे नाम के भंडारे होंगे। आज बाबा रामदास जी महाराज के नाम के भंडारे हो रहे हैं, क्यों? उनके कर्म ऐसे थे। कबीर कमाई आपने कभी ना निष्फल जाए, साथ संबंध आड़ा फिरे को मिले अगाड़ी आए। वो हजारों युगों तक पूजाने वाली है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक स्वामी रामदास जी बाबा की ये समाधि पूजाती रहेगी, क्योंकि इंसान के कर्म ही पूजाते और कोई नहीं पूजाता, दो लग नहीं पूजाती। कबीर कहते हैं राज करंता राजा जाएगा, रूप धरंती रानी। लोग कहते हैं ना अभी तो उनका वर्चस्व चल रहा साहब, वो तो राजा हैं, राजा भी जाएगा। राज करंता राजा जाएगा, रूप धरंती रानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा। ये है अमर निशानी, जिसने नाम की कमाई की है वो कभी डूबने वाली नहीं, कभी मिटने वाली नहीं। इसलिए निवेदन और प्रार्थना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि बाबा के समाधि की तरह मिसाल बन जाए। हजारों सालों तक जिनको लोग पूजे, ऐसे काम होना चाहिए, पता चलेगी दारू पी के कलंक पे पड़े, वहीं ओंधे हो रहे हैं, वहीं लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो लोग उनको मार पीट रहे हैं। गांव के लोग आते हैं, यार बाबूजी आपका छोरा बिगड़ गया है। वो पिता बेचारे पिताजी ने कभी किसी की बठी गाय नहीं उठाई, लेकिन औलाद के कारण उनको सुनना पड़ रहा है। इसलिए मजा इसमें नहीं है। इस अहंकार को छोड़े, मीठे बने, प्यारे बने, छोटे बने, लघुता ही जीवन में काम आने वाली, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है, मनुष्य, साधारण मनुष्य से लेकर के जिनको हम देवता मानते हैं, वो भी अगर इस धरती पे आए हैं तो उनका भी निशान नहीं छूटा, वो भी मर गए, वो भी खत्म हो गए। एक बहुत सुंदर शब्द है, ये मुर्दों का काम है संतों, ये मुर्दों का काम है संतों, ये मुर्दों का काम, ये मुर्दों का काम है साधो, ये मुर्दों का मरे पैगंबर, मर गए, मर गए जिंदा योगी, यह मर गए जिंदा योगी, जो भी आए, चंगेज खान आया, सिकंदर आया, हजरत मोहम्मद साहब आए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए, रविदास आए, राम जी आए, कृष्ण आए, जो भी आए सब इस दुनिया से गए। पीर मरे पैगंबर, मर गए जिंदा योगी, यह मर गए जिंदा योगी, अरे राजा मरी है, प्रजा मरी है, राजा मरी है, प्रजा मरी है, मर गए वैद्य और रोगी, ये मुर्दों का, ये मुर्दों का काम है साधो, ये मुर्दों का काम, ये मुर्दों का
संतों का काम। अरे चंदा मरी है, सूरज मरी है धरणी आकाशा। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरणी आकाशा, मरी है धरणी आकाशा। अरे चौदह भवन के चौधरी मर गए, चौदह भवन के चौधरी मर गए, इन्हों की कहाँ आशा। ये मुर्दों का, ये मुर्दों का काम है साधो, ये मुर्दों का, नौ भी मर गए, दस भी मर गए, मर गए सहस यठासी, यहाँ मर गए सहस यठासी। तैतीस कोटि देवता मर गए, तैतीस कोटि देवता मर गए, बड़ी काल की फांसी। ये मुर्दों का, ये मुर्दों का देश है प्यारे, ये मुर्दों का देश। नौ भी मर गए, दस भी मर गए, मर गए सहस्त्र अट्ठासी, अट्ठासी हजार ऋषि मुनि जिनके घर कपिल भगवान, जैसे शास्त्र कहते हैं कपिल भगवान जिनके घर जन्म, उनके माँ बाप भी चले गए, वो भी गए। तैतीस कोटि देवता मर गए, पड़े काल की फांसी। जो भी इस संसार में भवसागर में आया है उसको काल का ग्रास तो बनना ही पड़ेगा, ये पक्का। अब अतिशोक्ति में हम कुछ भी मान ले या कुछ भी कह ले, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने चिंतन हैं। परंतु सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में सब मिटने वाला है, एक नहीं मिटेगा तो वो क्या नहीं मिटेगा। अरे नाम अनाम रहते हैं कोई, दूजा तत्व न होई, यहाँ दूजा तत्व न होई। नाम रहते हैं सोई, दूजा तत्व न होई, यह दूजा तत्व न होई। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई।